अच्छा पलाश सर ने कितने मजेदार गाने गाए हैं, धूम पिचक धूम मायरी और बहुत सारे गाने गाए हैं, और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे सुपरहिट गाने तो गाए ही हैं, साथ ही साथ ये डॉक्टर भी हैं। सर आपने ये जो दो धंधे पकड़े हैं धंधे, एक डॉक्टर भी हैं आप और एक सिंगर भी हैं, आपको डॉक्टरी पे विश्वास नहीं था कि सिंगिंग पे विश्वास नहीं था? मतलब बड़ा मुश्किल होता है एक काम करना, कितना आपने देखा परफॉर्म कैसे करते हैं पूरा फुल एनर्जी के साथ, तो सर कैसे मैनेज करते हैं? यार ऐसा है कि आई बिलोंग टू अ फैमिली जहां पर 17 जनरेशन डॉक्टर हैं, सबके साथ डॉक्टर, क्या बात है, मैं 17वीं जनरेशन हूं, तो उसमें भी जो लास्ट 3 जनरेशन वो एलोपैथिक, उसके पहले सारे आयुर्वेदिक, और बंगाली घर में इसको पता है, बंगाली घर में सब लोग गाते तो हैं, कुछ कुछ करते हैं, गाते हैं, कविता लिखते हैं, कहानी बोलते हैं, सम क्रिएटिविटी, सो वो भी मतलब आई गॉट इट जैसे ही पैदा हुआ तो नर्स को देखते ही, तो दोनों चीजें एक साथ ही हो गई, आई डिडंट चूज इट, आई थिंक लाइफ चोज मी, तो मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं दो तरह से लोगों का इलाज करता हूँ, मेडिसिन के साथ, म्यूजिक के साथ, सब खुश रहो। क्या बात है यार, बहुत बड़ी बात है, 17th जनरेशन है, अमेजिंग। आपने कभी पता किया जो मुगल आए थे भारत में उनका इलाज जो करते थे वो भी आपकी फैमिली से ही होंगे शायद यार? अच्छा पलाश सेन, तानसेन, वो भी आपकी फैमिली से तो नहीं थे? ओह माय गॉड, यार अगर थे तो फिर मुझे क्यों नहीं टैलेंट मिला, मैं ये तो नहीं कुछ नहीं, लेकिन कमाल का टैलेंट है। आपको पता है पलाश सर का जो क्लिनिक है और जो स्टूडियो है दोनों का नाम द क्लिनिक है, कभी ऐसा हुआ आपका पेशेंट को रिकॉर्डिंग स्टूडियो आ गया हो जो सिंगर आपके क्लिनिक पहुंच गया हो, ऐसा कंफ्यूजन हुआ कभी? यार देख दो चीजें हैं, जितने भी पहले क्या था कि जब मुझे कोई जानता नहीं है तब मुझे लोग दिखाने आते थे, अब देखने आते थे कि क्या सीन है, क्या बात है। हमारी एक रिसर्च टीम है केके सर, बहुत बड़ी एक आदमी की, तो उन्होंने हमें बताया कि पहले आप भी डॉक्टर बनना चाहते थे, तो क्या प्रॉब्लम, आपको नर्स को सिस्टर बोलने में दिक्कत थी या आपने स्टेथोस्कोप की जगह हेडफोन लगा ले तो उसी में मजा आने लग गया, तो फिर आपने कहा कि मुझे जब पता चला कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैंने कहा रहने दो, बस की बात नहीं है, इसको सिस्टर बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बीवी इसको शायद बचपन में मिल गई है, स्टोरी बहुत, क्या बात कर रहे भाई, सही सही बताओ कब की बात है ये, क्या कैसे हुआ? अच्छा ज्योति और मैं एक दूसरे को 6 स्टैंडर्ड से जानते हैं। ओह माय गॉड, वो भी आपको 6 स्टैंडर्ड से जानते हैं, तब भी उन्होंने आपसे शादी कर ली? नहीं नहीं, तब हमने जो है ना एक कनेक्शन हो गया था यार कपिल, इसलिए तो मैंने गाना जो यारों दोस्ती बनाया, दोस्ती शुरुआत होती है फिर मोहब्बत हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है, दोस्ती वाला गाना एक्चुअली ये लेंथ बन गया दोस्तों के लिए, एक्चुअली सर हो जाए दो लाइन मजा आ जाए। अरे ये तो हम लोग तो कितने शो साथ में किए हैं, तो यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। नहीं तो लोग कई कई अपने नाम पे रख रहे थे, हमारे वहां पे था पप्पू आई जेंट्री बैंड, जैसे हम कैलाश खेर साहब की बात करें उन्होंने अपने नाम पे रख लिया कैलाशा, चाहते थे आप भी पलाशा रख सकते थे, आपने यूफोरिया रखा सर, और बाद में वो यूफोरिया क्रिएट भी हुआ, मतलब मुझे याद है जब आपका ये एल्बम आया पहला, मैं कॉलेज में था और इतना हिट हुआ गाना, सर ये कैसे डिसाइड किया आपने कि मैंने यूफोरिया रखना? यार डॉक्टर हूँ, मेरे बाकी ऑप्शंस थे डायरिया, पायरिया और गोनोरिया। मैं तो कहता शुक्र है हमारी लाइन में नहीं आ गए भाई साहब, तो जवाब ही बड़े मजेदार दे रहे हो। सपोज अभी हम लोग यहाँ पे, अभी तुमने इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर पलाश सेन और उनका बैंड यूफोरिया, जस्ट इमेजिन कपिल सर
आप हाथ दिल थाम के बैठिए, आपके सामने आ रहे हैं डायरिया। इसके सीरियस एक्सप्लेनेशन भी है, वो ये है कि साइकाइट्री में एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन होती है कॉल्ड मेनिया। मेनिया बोलते हैं। मेनिया का जो फर्स्ट पार्ट, जब आप मेनिया के अंदर जा रहे होते हैं, उसका नाम होता है हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया में जो आप फीलिंग आपको आती है उसको बोलते हैं यूफोरिया। ओके, अच्छा। और यूफोरिया में जितने भी सबसे लोगों ने कमाल की चीज क्रिएट की है, लाइक शेक्सपियर ने जब अपना सबसे अच्छा प्ले लिखा, या लियोनार्डो दा विंची ने सबसे अच्छी अपनी पेंटिंग की, तू तो हमेशा यूफोरिया में है। दे वर सपोज टू बी इन यूफोरिया बिकॉज उस समय आप अपने क्रिएटिव बेस्ट पे होते हो। तो मैंने सोचा हमारा बैंड हमेशा क्रिएटिव बेस्ट पे रहेगा। क्या बात है पॉली। अच्छा, के सर ने जो अपना पहला गाना गाया था, गुलजार साहब का लिखा हुआ, छोड़ा है हम वो गलियां माचिस फिल्म से, क्या बात, कमाल गाना था। पहले तो लेट्स हैव द लाइन ना। तो मुझे उस वक्त दिल्ली छोड़ के आया था, उस वक्त बिगिनिंग में 94 में। ये दिल्ली जो छोड़ के आया था, उसी कहानी में बात बताऊंगा। अच्छा, छोड़ा है हम वो गलियां, वाह, छोड़ा बात है, क्या बात है, वाह। तो हम लोग सब बहुत दिनों बाद मिले, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आई ओ माई एंटायर करियर टू के रियली। यस, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। क्या था कि वहाँ पे दिल्ली में जितने भी जिंगल होते थे, के गाता था। अच्छा जी। और मैं डॉक्टर बन चुका था, और क्या होता ना कि जब तुम पढ़ाई करते हो ना, और वैसे भी मेरे घर वाले, उनको लगता था यार पढ़ाई कर रहे हो तो फिर और कुछ ये गाना वाना क्या होता है। तो इसने शहर छोड़ दिया, छोड़ा है वो गलियां, ये दिल्ली छोड़ के आ गया। एंड जैसे ही वहां से निकला, जितने भी वहां पे जिंगल कंपोजर्स थे, उनको एक नया बंदा चाहिए था। मैंने नई नई अपनी क्लिनिक शुरू की थी, मेरा हार्डली कुछ इनकम था, यंग डॉक्टर, यू नो। तो उन्होंने मुझे फोन करना शुरू किया कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि के को रिप्लेस कर पाए इन दिल्ली के जिंगल सर्किट में। आई स्टार्टेड सिंगिंग, आई स्टार्टेड अर्निंग। So I'll just say this, I owe my entire career, wow, bro, to this guy. क्या बात है यार, God bless you man. Don't you give me too much credit. You give me too much credit for this. He's fantastic in his own right. और हर किसी को मतलब कहीं ना कहीं निकलना होता है, तो उसकी वहाँ पर कोई और आता ही है। So this is how the No, I just want to say this के जो मेरे साथ दोनों बैठे हुए हैं, मैं इनकी तारीफ दुनिया करती है, बट मैं जो इनकी सबसे बड़ी तारीफ ये करूंगा, मैंने इतने हम्बल लोग कभी मैं नहीं मिला हूं। जैसा मैं इनको 20 साल पहले जानता था, दिस स्टिल द सेम। मैंने एक बात और सुनी है, कहते गुलजार साहब ने इनको कहा था, के साहब को, कि आप ये जो गाना गा रहे हैं, इसके ठीक 25 साल बाद तुम देखना कपिल शर्मा शो में जाओगे। ऐसा बोल फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।